मैं दिल्ली हूँ। मैंने देखा कि महाराज भरत ने किस तरह एक कन्या को डाकुओं से बचाने के लिए उन्हें 60 भार स्वर देने का वचन दिया और ये वचन उन्होंने पूरा भी किया। किंतु जब डाकू स्वर लेकर वन क्षेत्र में पहुंचे, तब महाराज भरत ने न्याय का उल्लंघन करने के अपराध में उन डाकुओं से आत्मसमर्पण करवाया। मैंने ये भी देखा कि जब वो कन्या अपने घर पहुंची, तो उसके माता पिता अपनी पुत्री को पाकर प्रसन्न हो गए, परंतु जिनके घर इस कन्या को बहू बनकर जाना था, उन्होंने उस पर लांछन लगाया कि वो डाकुओं के पास रहकर आई है। तभी महाराज भरत वहां पहुंच गए और कन्या के ससुराल वालों को उसकी पवित्रता का विश्वास दिलाया। कहने को तो ये घटना बहुत छोटी थी, लेकिन इससे ये बात सिद्ध होती थी कि महाराज भरत केवल एक महान राजा ही नहीं थे जिन्होंने देवासुर संग्राम जीता था, बल्कि इस कन्या की सहायता करके उन्होंने अपनी प्रजा का मन भी जीत लिया और ये सिद्ध कर दिया कि वो केवल एक शासक ही नहीं, एक पिता भी है। और ये देखकर मेरा सर गौरव से ऊंचा हो गया। यमा, यमा, क्या हुआ राजमाता, आप इतनी विचलित क्यों हैं? विचलित नहीं, सुना नहीं कोई रथ आश्रम की ओर आ रहा है, मेरा भरत मुझसे मिलने आ रहा है। रथ तो अवश्य आ रहा है, लेकिन उसमें महाराज भरत ही होंगे, ये कैसे कह सकते हैं? माता अपने पुत्र का पदचाप पहचान लेती है, मेरा भरत ही आ रहा है। माते, भरत। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। एक सप्ताह के विलंब के बाद तू मुझसे मिलने आ रहा है, क्या माँ को इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्षमा कीजिए माताश्री, आ तो रहा था केवल रास्ते में। सुना है एक कन्या को बचाने के उद्देश्य से जंगा और उनके साथियों को पहले तो तुमने पुरस्कार प्रदान किया, फिर उन्हें पकड़कर दंड दे दिया। पुत्र, तुम्हारे इन्हीं कार्यों से तो तू लोकप्रिय है, प्रजा तुम्हारा गुणगान करती है। माते, मुझ में जो कुछ भी है आपका ही दिया हुआ है। राजा का आसन तो राज सिंहासन है, पर तुम्हारा आसन प्रजा के हृदय में है। हृदय की धड़कन में हर बार एक ही नाम आता है, राजा भरत। पुत्र, तू तो उन पुत्रों में से है जिसने अपनी माता का सम्मान आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाया है। माते, जिस राजा का जन्म राजमहल में होता है, जिसका पालन पोषण राजमहल में होता है, जो स्वर्ण पालनों में झूलता है, जो दिन रात हर्ष और विलास में डूबा रहता है, वो क्या जाने दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, परिश्रम क्या होता है। ये तो शिक्षा का परिणाम है जो मुझे आपने दी। हां पुत्र, तुम्हारा बचपन तो राजमहल में नहीं, उसी वन में बीता था जहां तुम्हारे संगी साथी सिंह शावक थे। एक दिन तू सिंह शावक के साथ खेल रहा था और सिंहनी दहाड़ रही थी। तूने क्रोधित होकर सिंहनी के मुंह पर एक चांटा मार दिया और कहा, क्यों चिल्ला चिल्ला कर हमारा खेल बिगाड़ रहे हो, खेलने दो मुझे तुम्हारे बच्चे से। और जानता है क्या हुआ? सिंहनी लज्जित होकर सिर झुकाकर वहां से चुपचाप चली गई। तुझे याद है ना? कुछ कुछ याद है मुझे, किंतु वो सब कुछ याद है जो आपके साथ हुआ। इस प्रकार पिताश्री आपको छोड़कर चले गए और एक राजा की पत्नी होते हुए भी आपको राजमहलों से दूर
इस वन में कितने कष्ट झेलने पड़े। सब कुछ याद है माते, सब कुछ याद है। पुत्र, मैंने जो कुछ भी खोया था सब कुछ पा लिया है। संसार का सारा सुख ईश्वर ने मेरी सहनशीलता का पुरस्कार भी मुझे दिया है। एक पुत्र के रूप में, ऐसा पुत्र जिस पर कोई भी माता जितना गर्व कर सके कम है। अब मेरे जीवन में संतोष है, मन में शांति है। अब मुझे किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं। माते, तभी तो आपने निर्णय लिया है इस आश्रम में रहने का। कितनी शांति है यहां, कितना आनंद है। तभी तो राजमहल को छोड़कर आता हूं अपने मां के चरणों में। इन चरणों में स्वर्ग है। अब कुछ दिन इस स्वर्ग में विश्राम करूंगा। पुत्र मां के साथ रहे, इससे अधिक सुख क्या हो सकता है मां को। प्रणाम मां मंत्री जी। प्रणाम। क्या बात है सैनिक भूमन्यु? एक चिंताजनक समाचार है मां मंत्री जी। क्या समाचार? पूर्व सीमा क्षेत्र से विद्रोह का समाचार मिला है। क्या? हां मां मंत्री जी, विद्रोही अग्नि और रक्त का खेल खेल रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है। लोग उनके भय से अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। क्या महामंत्री जी, यदि इस विद्रोह को तुरंत दबाया ना गया तो यह अग्नि दूसरे क्षेत्रों को अपने लपेट में ले सकती है। चिंता की बात तो यह है, इस समय महाराज राजमहल में उपस्थित नहीं है। उन्हें सूचित करने में समय लगेगा, किंतु सेना को तो आदेश देने ही पड़ेंगे। तुम जाकर राजकुमारों को सूचित करो, तब तक मैं सेनापति को संदेश भिजवाता हूं। जो आ गया महामंत्री जी। द्वारपाल। वाह 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 वाह। चलिए भ्राता प्रमोद। अवश्य अवश्य भ्राता अमोद, इसे कहते हैं चाल पलटना। ये देखो। वाह वाह भ्राता प्रमोद, वाह, आपने तो पासा ही पलट दिया। इन हाथों में तो पासे पलटने की शक्ति है ही, ये कोई नई बात नहीं है। तो और दिखाओ इन हाथों का चमत्कार। अवश्य अमोद। विनोद, अब देखो इसे। देख रहे हैं भ्राता। अब पासा फेंकिए भी भ्राता। ये आया नौ। नौ। वाह। प्रणाम राजकुमार। मैं खेल में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु समाचार ही ऐसा। क्या समाचार है भूमन्यु? पूर्वी सीमा क्षेत्र में विद्रोह फैल गया है। विद्रोही लूटमार कर रहे हैं, घर जला रहे हैं, निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। क्या? हाँ राजकुमार, महाराज इस समय महल में उपस्थित नहीं है। महामंत्री जी बहुत चिंतित है। उन्होंने आप सबको तुरंत अपने कक्ष में बुलाया है। हमको? हमको बुलाया है महामंत्री जी ने? आप सभी राजकुमारों को बुलाया है। किंतु इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? किंतु विद्रोह को दबाने के लिए तो सेना को जाना चाहिए। इसके लिए सेनापति हैं, महामंत्री हैं। किंतु महाराज की अनुपस्थिति में आदेश कौन देगा? सेना का नेतृत्व तो कौन करेगा? तो तुम क्या चाहते हो? सेना का नेतृत्व तो हम करें, हम जाएं विद्रोहियों से लड़ने? अवश्य राजकुमार। सैनिक, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते ये सेनापति का कर्तव्य है, महामंत्री का कर्तव्य है? और इन सब बातों के लिए हमें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? यदि ये इतने ही बुद्धिमान होते तो बजाय हमारे पास आने के महामंत्री को ये सब समझा रहे होते। तो अब भी क्या बिगड़ा है? तुम अब भी यही बात जाकर उन्हें समझा सकते हो। किंतु ये क्या आपने किंतु किंतु लगा रखा है? जाइए, जो आपसे भ्राता विनोद ने कहा है वही जाकर महामंत्री जी से कह दीजिए। आप अभी तक यहीं खड़े हुए हैं, शीघ्र जाइए महामंत्री के पास।
प्रणाम। प्रथा प्रमोद, लगता है महामंत्री जी पागल हो गए। क्या हमारे प्राण इतने सस्ते हो गए उनकी दृष्टि में? अरे अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं। और यही इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आती कि लड़ना सैनिकों का काम है, हम राजकुमारों का नहीं। प्रातः प्रमोद, चलिए अब पांच साफे किए। अवश्य अवश्य। हाँ, अपना खेल पुनः आरंभ करते हैं। ये आठ। सेनापति जी, इस आपातकाल की स्थिति में जबकि महाराज राजमहल में उपस्थित नहीं है, ये निर्णय लेना कठिन हो गया है कि सेना को कूच का आदेश कौन देगा। महामंत्री जी, महाराज के यहां ना होने की स्थिति में यह कार्य राजकुमार कर सकते हैं? हाँ, सत्य कह रहे हैं आप, हम राजकुमारों के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम जी। राजकुमारों ने आने से मना कर क्या? इस आपातकाल के स्थिति में उन्हें अपने उत्तरदायित्व का तनिक भी आभास नहीं? क्या कहते हैं वो लोग? उनका कहना है कि विद्रोह को दबाना महामंत्री और सेनापति का कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य भली भांति जानते हैं, किंतु ये तो उन लोगों का भी कर्तव्य है। सेनापति जी, विद्रोह एक ऐसी चिंगारी है जिसे समय पर दबाया ना गया तो यह बढ़कर सारे देश को जला सकती है। किंतु इस समय निर्णय कौन लेगा? ऐसी स्थिति में क्या नीति अपनाई जाए? महामंत्री जी, समय बहुत कम है, विद्रोही निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यदि इन्हें रोका ना गया तो बाढ़ के समान आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र को बहा ले जाएंगे। मेरा विचार है कि यह नीति आपको तय करनी होगी और इस समय आपका आदेश अंतिम आदेश होना चाहिए। महामंत्री जी, वो मन जो ठीक कहता है, निर्णय अब केवल आप ही को लेना है। यदि हम महाराज की प्रतीक्षा करते हैं तो केवल विनाश ही बढ़ेगा। तो हमारा आदेश है सेनापति, विद्रोह को दबाने के लिए आप हमारी सेना के साथ पूर्वी सीमा की ओर कूच करें। यदि आज्ञा हो तो क्या मैं भी सेनापति जी के साथ जा सकता हूं? यही परीक्षा की घड़ी है, हम तुम्हारी भावनाओं का आदर करते हैं भूमन्यु, और सेनापति के साथ जाने की अनुमति देते हैं। धन्यवाद। तो फिर आज्ञा दीजिए महामंत्री जी। आज्ञा है। मेरी शुभकामना है कि आप विजयी होकर लौटें। अब चिंता ना करें महामंत्री जी, महाराज के साथ मैं देवासुर संग्राम में लड़ चुका हूं। यह तो बस छोटा सा विद्रोह है जिसे हम देखते ही देखते दबा देंगे। प्रणाम।
सेनापति जी को सुरक्षित शिविर में पहुंचाओ। रुक जाओ, कालों की तरह रणभूमि को पीठ दिखाने से तो अच्छा है आत्महत्या कर लो। मैं करूंगा तुम्हारा नेतृत्व, आगे बढ़ो। सबको बंदी बनाकर राजधानी ले चलो। चलो महामंत्री, 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 महामंत्री। प्रणाम महाराज। एक छोटा सा विद्रोह हुआ और हमें सूचना इस प्रकार दी गई जैसे कि बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया है, जैसे कि किसी शक्तिशाली राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है। महाराज, परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी, यह विद्रोह की घड़ी हो या युद्ध का समय, दोनों ही स्थितियां आपातकालीन स्थितियां मानी जाएंगी और इस समय आपका राजमहल में उपस्थित न होना चिंता का विषय अवश्य ही था। यदि हम उपस्थित नहीं थे तो हमारे नौ राजकुमार तो राजमहल में उपस्थित थे। आपने उनमें से एक को क्यों नहीं भेज दिया? मैंने उन्हें आमंत्रण भेजा था, किंतु उनमें से कोई भी नहीं आया मेरे पास। कारण? कोई भी राजकुमार ये उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं था। किंतु उत्तरदायित्व को स्वीकार करना उनका कर्तव्य ही नहीं, उनका धर्म भी है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, विद्रोह दबा दिया गया है, कुछ विद्रोही मारे जा चुके, शेष को बंदी बना लिया। किंतु ये क्या? एक विद्रोही के बाण ने सेनापति जी को घायल कर दिया। सेनापति जी आप? महाराज, अब मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे प्राणों को कोई संकट नहीं। किंतु महाराज, मैं ये बात कह बिना रह नहीं सकता कि रणभूमि में मेरे प्राणों की रक्षा
भूमनियों ने की। मेरे घायल होने के कारण सेना का नेतृत्व भी भूमनियों ने किया और उसी ने सेना का मनोबल बढ़ाया महाराज। उसी की कुशलता के कारण विद्रोही परास्त हुए। क्या नाम बताया आपने इस नवयुवक का? भूमन्यु महाराज। सैनिक भूमन्यु, हम अति प्रसन्न हैं। हम समझ सकते हैं कि रणभूमि में सेनापति के घायल होने से सेना का मनोबल टूट जाता है, सेना हताश हो जाती है। इस स्थिति में सेना का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर तुमने अपने साहस और योग्यता का परिचय दिया है, और वो हमारी प्रशंसा ही नहीं पुरस्कार के भी योग्य है। हम तुम्हें ये तलवार भेंट करते हैं। महाराज, आपकी इस भेंट ने तो मेरे उत्तरदायित्व को और भी बढ़ा दिया। तुम्हारे कंधों पर उत्तरदायित्व का बोझ और भी बढ़ने वाला है। आज्ञा दीजिए महाराज। आज से हम तुम्हें अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। महाराज, मैं आपकी दी हुई इस भेंट के सम्मान की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगा। भूमन्यु, हम तुम्हें हृदय से आशीष देते हैं। राजन। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव, प्रतीत होता है आप किसी घोर चिंता में ग्रस्त हैं। गुरुवर, हम चिंता के एक ऐसे सागर में डूबे हुए हैं जहां हमें कोई किनारा नहीं दिखाई देता। उस चिंता का विषय कारण? विद्रोह की घटना से उत्पन्न जो परिस्थिति हुई वही हमारी चिंता का कारण है। किंतु राजन, विद्रोह का तो दमन हो चुका है, उसके प्रति आप चिंतित? ऐसी घटनाएं तो राज्य में घटती रहती हैं। यदि विद्रोह के स्थान पर युद्ध भी हो जाता तो भी हमारी शक्तिशाली सेनाएं उससे जूझने के लिए सक्षम थी। नहीं गुरुवर, नहीं। हमारी चिंता का कारण न तो विद्रोह है और नहीं युद्ध। हमारी चिंता का कारण है हमारे पुत्र। आपके पुत्र राजकुमार? हाँ गुरुवर, जब हमारी अनुपस्थिति में विद्रोह की सूचना आई तो वो सूचना हमारे राजकुमारों तक भी पहुंची, किंतु उनमें से किसी एक ने भी इस गंभीर समस्या पर चिंता नहीं व्यक्त की। किसी एक को भी यह साहस नहीं हुआ कि वो सेना को कुछ का आदेश दे, अपने पिता के उत्तरदायित्व को अपना उत्तरदायित्व समझे। तो क्या हमारे किसी भी पुत्र में सेना का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? क्या वो सारे कायर और निर्बल है? क्षमा का याची हूं महाराज। उन नवयुवक राजकुमारों को तो आपने दोषी ठहरा दिया, किंतु जो भूल आप कर रहे हैं उसकी ओर आपका ध्यान नहीं। हमने कौन सी भूल की गुरुवर?
महाराज, इसमें कोई संशय नहीं कि आप नीति निपुण हैं, न्यायप्रिय हैं, साहसी हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, किंतु दूरदर्शिता को बिसारे हुए हैं। एक राजा का कर्तव्य केवल सिंहासन पर बैठकर राजपाट को चलाना ही नहीं होता, केवल वर्तमान को ही देखना नहीं होता, उसको भविष्य की भी चिंता होनी चाहिए, उस ओर भी दृष्टि जानी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे कहने का अभिप्राय केवल यही है, आपने राजकुमारों को अकारण ही दोषी घोषित कर दिया, किंतु अपना कर्तव्य आपने अभी तक पूर्ण नहीं किया, और वो है युवराज के नाम की घोषणा, उत्तराधिकारी का निर्णय। महाराज, राजा का उत्तराधिकारी राजा होता है, महाराजा होता है, प्रजा का पालक होता है, और इस विषय में आपकी प्रजा अति चिंतित है कि आपने अभी तक युवराज के नाम की घोषणा नहीं की। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके भविष्य का राजा कौन है, कैसा है। महाराज, उत्तराधिकारी को घोषित करने का अर्थ है कि आपने उसके कंधों पर कार्यभार का बोझ डाल दिया, और उसको उसका आभास भी होने लगेगा। जिस प्रकार एक बाण को सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए धनुष पर चढ़ाना पड़ता है, उसी प्रकार उत्तराधिकारी को भी कार्यभार का आभास दिलाना पड़ता है। यदि यह आपने कार्य उचित समय पर कर दिया होता तो आपका उत्तराधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विद्रोह का दमन करने के लिए आपके स्थान पर खड़ा होता और आपके आदेशानुसार सेना का नेतृत्व करता। किंतु खेद है, आपने निर्णय ही नहीं। आप सत्य कह रहे हैं राजगुरु, ये भूल तो हमसे हो गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा महाराज, अब भी समय है। आप शीघ्र से शीघ्र अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कीजिए, प्रजा को उसके भविष्य का राजा प्रदान कीजिए। यही समय की मांग है और यही आपको हमारा परामर्श है। गुरुवर, हम आपके परामर्श को आपकी आज्ञा मानकर उसका पालन करेंगे। दीदी, इस प्रकार पीछे से टोकने की धूर्तता को क्षमा करें, किंतु आपको इतनी तीव्र गति से जाते हुए देखा तो। हाँ छोटी, सुना है महाराज किसी चिंता में निमग्न है। महाराज चिंता में? हाँ, महाराज को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा जो करनी है। दीदी, फिर तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तीनों महाराज की अर्धांगिनियां हैं, उनकी चिंता को दूर करने में सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। आइए आइए। आज आप तीनों एक साथ, निसंदेह कुछ अद्भुत होने वाला है। महाराज, हम देख रहे हैं कि आप किसी गहन चिंता में हैं। सत्य कहा आपने, चिंता में तो हम हैं। महाराज, क्या चिंता है आपको? क्या आप हमें नहीं बताएंगे? हम आपके अर्धांगिनियां हैं, क्या हम आपकी चिंता नहीं बांट सकते? क्यों नहीं महारानी, किंतु ये चिंता केवल हमारी ही नहीं, ये हम सबकी है, पूरे राष्ट्र की है। महाराज, कहीं ये चिंता युवराज के विषय में तो नहीं? सत्य कहा आपने, हम इसी कारण चिंतित हैं, यही विषय है हमारी चिंता का।
महाराज आपकी ये चिंता व्यर्थ है। व्यर्थ? महाराज युवराज तो आपका ज्येष्ठ पुत्र ही बनेगा और ये सौभाग्य मेरे पुत्र प्रमोद को मिलेगा। ये कैसे संभव है? ये तो अन्याय होगा। अन्याय? हाँ महाराज, माना के पुत्र को जन्म मैंने बाद में दिया, किंतु रानियों में ज्येष्ठ मैं ही हूं, इसलिए युवराज मेरा पुत्र अमोधी बनेगा। किंतु महाराज बड़ी रानी ये भूल रही हैं कि आमोद और विनोद का जन्म एक ही समय में हुआ और इस बात पर अभी तक विवाद है कि आमोद और विनोद में ज्येष्ठ कौन है। आप तो हमारी अर्धांगिनियां हैं। हमने समझा था कि आपके आने से हमारी चिंता का निवारण होगा, किंतु आपके कारण तो हमारी चिंता और भी गंभीर हो गई है। हम तो दुविधा में पड़ गए हैं कि निर्णय किस प्रकार लें, क्योंकि यदि निर्णय एक को स्वीकार होता है तो दो को अस्वीकार होगा। सत्य कहा महाराज आपने, इस विषय पर निर्णय आपको सोच समझकर ही करना होगा। ये सत्य है कि हमारी चिंता बढ़ गई है, किंतु हम आप तीनों के आभारी हैं, आपने हमें इस दिशा में एक नई प्रेरणा दी है। अब निर्णय करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। किंतु महाराज इस निर्णय का मापदंड क्या होगा? विश्वास करो, हम आप में से किसी को निराश नहीं करेंगे। हमारा निर्णय आपको मान्य होगा। किंतु महाराज आप करने क्या चाह रहे हैं ये हमें भी तो पता चले। हम जो कुछ भी करेंगे उचित ही करेंगे, किंतु इसके लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी।